तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये यामाहा कंपनी का MT-15 यानी MT-15 ये बाइक है, MT-15 है। और इस बाइक का अभी हम करने वाला है चैन सेट चेंज, क्योंकि इसका चैन जो देख रहे हैं करेंगे में तो दांत प्रॉपर सही है, लेकिन इस चैन को टाइम टाइम पे सर्विस नहीं करने से हुआ क्या कि चैन का जो ये लिंक जो देख रहे हैं बल्ब जो देख रहे हैं चैन का लिंक है ये टोटल खराब होगा, टूट गया चैन का। आप कंडीशन देख रहे हैं इससे चैन से झरझर पटपट पटपट का साउंड आने लगता है। चलिए हम इस तो चैन सेट चेंज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस रियर वाले जो जितना है तामझाम देख रहे हैं ये मटर गार्ड को, मटर गार्ड है, रियर व्हील कवर भी इसको बोल सकते हैं, मटर हाफ मटर गार्ड भी उसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये फ्रंट से व्हील कवर जो है, इसके बाद सस्पेंशन वगैरह टोटल चीज़ को ओपन करना पड़ेगा और इस सगर को भी ओपन करना पड़ेगा नीचे से, जो फ्रंट स्पोकेट को ओपन करें, रियर वाले व्हील को ओपन कर लेंगे। क्योंकि देखिए इतना जो ओपन करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि इस बाइक के अंदर कई बाइक में आप देखिए चेन के अंदर लॉक दिया जाता है, लेकिन इस बाइक के अंदर चेन लॉक बिल्कुल नहीं है। चेन लॉक नहीं तो चेन को तो सस्पेंशन निकालने के बाद ही हम सेटिंग करेंगे। अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गियर पैडल ये ओपन किया गया है, ये आप लोगों को बतला दें गियर पैडल आप लोगों को ओपन नहीं करना पड़ेगा चेन सेट चेंज करते वक्त, क्योंकि इसका जो देखिए आपको हम बतला रहे हैं यहाँ पे इसका जो गियर पैडल जो था ना ये टूट चुका है, कहीं पर बाइक गिर गया था उसलिए टूट गया है, इसको भी हम चेंज करेंगे। देख रहे हैं नया वाला है, इसको भी हम चेंज करेंगे। इसका प्राइस का बात कर ले तो 200 से 300 तक इसका समथिंग यही प्राइस होगा, प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं क्योंकि इसके फोकस करना ज़्यादा चैन सेट किस तरह से चेंज किया जाता है। चलिए हम फटाफट से इसका रियर से टोटल चीज़ को ओपन कर लेते हैं, फिर 15 का जो चैन सेट का प्राइस क्या है, चैन सेट का क्वालिटी क्या है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम फटाफट से इसको ओपन कर लेते, फ्रंट वाला स्पॉकेट कवर ओपन कर लिए, हम इस स्पॉकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम डीजल से इसको अच्छा से क्लीन कर लेंगे, रियर वाले खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड देखिए रियर वाले जो हाफ मटर कार था ओपन हो गया, व्हील कवर ये ओपन हो गया, अब हम इसका व्हील को ओपन करेंगे। चलिए हम व्हील को बाहर निकाल देते हैं, अक्सर को जैसे ही बाहर निकाले व्हील जो है यहाँ पे खुच करके बाहर आ गया, व्हील जो खुच करके बाहर आ गया। देखिए चैन सेट का आप देख रहे हैं करेंट का दांत बिल्कुल टूटा फूटा नहीं, इसका चैन जो खराब हो गया ना इसके लिए चैन सेट मुझे चेंज करना पड़ रहा है। देखिए इसका तो रियर व्हील ओपन हो गया, लेकिन आपको बतला रहे देखिए यहाँ पे सस्पेंशन का बात कर ले, सॉकर को आप लोगों को सोच रहे हैं यहाँ पे तो काफी ज्यादा आपको बोल्ट मिल रहा है, जिसमें से कौन सा बोल्ट को ओपन करें ताकि सस्पेंशन जो है खुल करके प्रॉपर बाहर निकल जाए, फिर आपको फिट करने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बतला सबसे पहले तो सस्पेंशन के मेन नट को खोल करके बाहर निकाल लेंगे, मेन एक्सल को। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें दो बोल्ट आपको ओपन करना पड़ेगा, एक जो ये जो आप देख रहे हैं ना ये बोल्ट ये डायरेक्ट यहाँ पर सस्पेंशन में गया है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये बोल्ट ओपन करूँगा और दूसरा जो होगा यहाँ से इस सॉकर का बोल्ट ओपन करूँगा। दोनों बोल्ट को जो ओपन कर देंगे सस्पेंशन जो है बाइक फरोक जो खुल करके प्रॉपरली बाहर आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे फिर से आपको बतला रहे, एक ये वाले बोल्ट को ओपन कर लेना है, दूसरा ये बोल्ट को ओपन करना है, तीसरा है सस्पेंशन का जो मेन एक्सल बोल्ट है इसको ओपन कर लेना है ताकि एक्सल धुरा बाहर निकल जाएगा, ये बोल्ट बाहर निकल जाए, ये बोल्ट आपको बाहर निकल जाए, फिर आपको सस्पेंशन खुल करके प्रॉपरली बाहर निकल जाए। चलिए हम इस तीनों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको इस फुल सस्पेंशन को बाहर निकाल करके दिखलाएंगे, उसके बाद ये चैन जो है सो बाहर निकल पाएगा। देखिए सॉकर का बोल्ट जो खुल करके बाहर आएगा, हम दूसरा नीचे वाला बोल्ट करेंगे यहाँ से, इसको हम प्लास के मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए सस्पेंशन मेरा प्रॉपरली खुल चुका है यहाँ पे, अब डायरेक्ट हम ये एक्सल को बोल्ट को ओपन करें पूरा फाइनली सस्पेंशन मेरा बाहर निकल जाएगा। फाइनली मेरा जो है देखिए यहाँ पे सस्पेंशन देखिए किस तरह से खुज करके बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हाफ मटर गार्ड जो देख रहे हैं इसमें चैन कवर भी इनबिल्ट किया गया, चैन कवर साथ में मटर गार्ड भी इसका साथ में, तब यहाँ से दोनों एलकी बोल्ट को ओपन कर लेंगे, हम एलकी से इस दोनों बोल्ट को हम ओपन कर लेंगे, चैन जो है सो प्रॉपरली खुज करके बाहर आ जाएगा। चैन लॉक में यहाँ पे देख रहे हैं इस चैन को कट किया, यहाँ पे एक लॉक लगा दिया है, आपको बतला रहे हैं देखिए यहाँ पे, देखिए इस चैन जो बड़ा हो जाता है ना कट करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉक लगा देता है। अगर लॉक वाले चैन है तो आपको इतना ताम झाम कोई खोल करके बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, अगर आपके चैन में लॉक नहीं है तो उस टाइम आपको
सस्पेंशन जो फुल सस्पेंशन असेंबल इसको खोल करके बाहर निकालिएगा, उसके बाद ही आपके बाइक का चैन सेट चेंज हो पाएगा। चलिए अब हम इस टोटल पार्ट को अच्छा से क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें नया चैन सेट हम फिट करेंगे। यहाँ पे फ्रंट वाला स्पॉकेट के पास यहाँ का टोटल जो भी डस्ट था, जो भी इंजन ऑयल का लगा था, चैन ल्यूब का लगा था, उस टोटल को हम यहाँ पे अच्छा से क्लीन कर लें पेट्रोल से। उसके बाद यहाँ पे देखिए रियर स्पॉकेट हब जो था इसको भी हम अच्छा से यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं, और अब इस ग्रीस बैरिंग के अंदर नया ग्रीस डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए सस्पेंशन को भी हमने बैक फ्रो को भी अच्छा से क्लीन, देखिए ये है मेरे पास यामाहा कंपनी का जेन्युइन चैन सेट, और यहाँ देखिए ये यामाहा कंपनी का जेन्युइन चैन सेट है, और यामाहा MT-15 का एक चैन सेट है, फुल चैन किट असेंबली है। आपको यहाँ पे प्राइस का बात कर ले तो यहाँ पे देख थोड़ा दिख लो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है चैन स्पॉकेट किट, MRP का बात कर ले प्राइस का तो 1977 रुपये इसका प्राइस है। पार्ट नंबर का बात करें तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे पार्ट नंबर लिखा हुआ है। आप जब भी चैन सेट फिट करवाए तो जेन्युइन चैन सेट फिट करवाए, इसको कौन सामान इसके अंदर कितना क्वांटिटी में मिल रहा है आपको यहाँ पे देखें टोटल चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1-1 क्वांटिटी में, इसमें इसके अंदर सेट लगा चीन 3 स्पेयर पार्ट है, 1-1 क्वांटिटी में इसको मिला है, इसका मतलब वो एक एक सेट करके मिल रहा है। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको इसका दिखला रहे थे, यहाँ पे देखिए अनबॉक्सिंग कर देखिए कितना प्यारा से पैकिंग किया गया है। चलिए हम इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये जो हो गया आपका रियर स्पॉकेट है, ये आपको 6 हॉल का स्पॉकेट है, देखिए आप 6 हॉल है। अगर इसका टी का बात कर ले तो ये 52T का स्पॉकेट है, आप यहाँ पे देख लेंगे 52T लिखा, 52T का ये स्पॉकेट है, जबकि इससे पहले इस बैग में लगा था वो 48T का लगा था, और ये लोकल चेन सेट फिट करवाया था, और ये जेन्युइन चेन सेट है। देख लो दोनों का क्वालिटी का बात देख लो डिफरेंट कितना ज़्यादा है, ये 42T का इससे पहले लगा था, और ये देखिए जो अभी जेन्युइन लेकर आया है ये 52T का, और ये यामाहा कंपनी का जेन्युइन पार्ट है, और इस चैन के अंदर चेन लॉक भी नहीं है, जबकि इस चैन के अंदर चेन लॉक लगा था ऑलरेडी। अंदर फ्रंट स्पॉकेट मिल रहा है, फ्रंट स्पॉकेट का बात करते हैं हमसे कितना ठीक है, इसको भी अनबॉक्सिंग करके देखा तो फ्रंट स्पॉकेट इसका 14T का, ये इसका फ्रंट स्पॉकेट का बात करते हैं हमसे 14T का ये फ्रंट स्पॉकेट मिल रहा है। अगर चैन का बात कर लेते हैं हम देखिए चैन भी देखिए कितना अच्छा से पैकिंग किया गया है, सब पैकिंग किया। चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग करके आप इसका क्वालिटी दिखला रहे, देखिए इसके चैन के अंदर देखिए किस तरह से व्हाइट व्हाइट सा लगा रहा है, केमिकल लगा ताकि चैन अच्छा से ल्यूब किया गया है, और इसके अंदर देखिए चैन लॉक आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, देखिए इस तरफ से भी देखिए अच्छा से देख लीजिए, इस तरफ से नहीं चैन लॉक दिखाई दे रहा, नहीं इस तरफ से चैन लॉक दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर चैन लॉक तो लगा नहीं, तो सबसे पहले फिट करते वक्त आप क्या फिट करना, इस चैन को ही फिट करना पड़ेगा सबसे पहले, जब बैक में चैन सेट चेंज कर रहे तो फ्रेंड्स चलिए हम इस चैन स्पोकर को यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक साफ सफाई का जिम्मेदार बाइक का मैकेनिक है। अब इसके ऊपर क्या करना है, देखिए इस तरह का एक बूश है, एक बूश को आपको इस तरफ से डाल देना है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर बूश सेटिंग हो गया, और दूसरा जो आपको यहाँ पे एक बूश यहाँ पे डालना है, देखिए ये बूश जो है पीछे से आपको चैन स्पॉकेट में यहाँ पर इस तरह फिट कर देना है, इस तरह प्रॉपर चैन सेट मेरा कम्प्लीट फाइनल हो गया। अब हम इसमें फिट करेंगे चैन को, चैन को फिट करेंगे सबसे पहले इस सस्पेंशन से, सस्पेंशन यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं, इस तरह देखिए सेटिंग कर लिए, अब इसके अंदर हम इस चैन को डाल रहे हैं, एक्सल में ग्रीस लगा दिए, चैन को हम देखिए यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लिए, एक्सल में हम यहाँ पे देखिए ये जो आप दो वाशर तरह का देख रहे हैं ना, दोनों वाशर को आपको सस्पेंशन पे डाल, देखिए केटली की तरह बना हुआ है, आपको देखिए दोनों यहाँ पे डालना है, एक को आपको यहाँ पे डालना है, आपको ऐसे तो गिर जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा हम ग्रीस का यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक वार्सल को हमने यहाँ पे डाल दिया, केटली तरह का था बना, एक यहाँ पे डाल दिए, अब हम इस सस्पेंशन को करेंगे इसके अंदर फिट बैक फरोक को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लीजिए टूटा था, इसको भी हमने चेंज कर दिए, फ्रंट स्पॉकेट को हमने टाइट कर दिए हैं, इसका लॉक पत्ती दे करके अब इसके अंदर थोड़ा इंजन ऑयल डाल के ग्रीस डाल देंगे, स्पॉकेट का चैन में ग्रीस बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सस्पेंशन का जो एक जर्ब जो करता था रियर सस्पेंशन बैक प्रूफ, उसका यहाँ पे टोटल नट को हमने अच्छा से टाइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो एडजस्टर है चैन एडजस्टर इतना पे था पहले, अब इस नट को हम यहाँ पे ढीला करके उसको आगे कर लिया है, क्योंकि नया चैन है तभी नया जैसा एडजस्टिंग रहेगा, और चैन आपको बताया था कि पहले ही आपको सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैन के अंदर लॉक नहीं दिया, अभी इस चैन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर इस क्रैंक सेट को
व्हील को फिट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को चेन एडजस्ट करके देख रहे हैं। देखिए इस बाइक का हमने फाइनली चेन सेट प्रॉपर फिट कर दिया, इसका काम जो है फाइनली कंप्लीट हो गया। अब ये आपको बताया था यहाँ पे कि थोड़ा इंजन है तो थोड़ा ग्रीस इसके अंदर डाल देना है ताकि स्पॉकेट के अंदर गड़गड़ पड़ कर साउंड नहीं है। अब जब भी चेन को एडजस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पंचिंग क्या हुआ है, तो आपको पीछे से पंचिंग को आपको गिनती नहीं करना है, आपको देखिए ऐसे आगे की तरफ से आपको पंचिंग गिनती करना है। जैसे यहाँ पर चार पॉइंट पे है उसी तरह से आप देखिए इस तरफ भी चार पॉइंट पे है, दोनों तरफ का आपको पॉइंट जो है सो चार पे ही रखना है। अगर इसको आगे पीछे कर देते हैं तो उससे भी आपका बाइक का चैन सेट जो है ना जल्दी खराब है, क्योंकि अब और एक चीज़ और आपको बतला रहे, जब भी आप चैन को एडजस्ट करते हैं उस टाइम आपको देखिए बतला रहे इतना पल्ले आपको रखना है, इतना थोड़ा पल्ले आपको रखना है, यानी कि फुल टेंट कर देना। फुल टेंट कीजिएगा, जब ये चेन ड्राई होगा सूखा पड़ेगा तो चेन ऑटोमेटिक आपको टेंट हो जाएगा, उस टाइम पे टोटल बल्ब घिस जाएगा, चेन घिस जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम रियर वाले जो व्हील कवर है मटर गार्ड है इसको हम फिट कर लेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है देखिए आप इसको हम फिट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे चेन कवर का जो नट है टोटल चीज़ को ओपन टोटल चीज़ को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे, फिर उसके फ्रंट स्पॉकेट कवर को टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा, आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।